नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट एयरबड्स के बारे में, जो कि गाइस मेरे पास सैमसंग के ऑलरेडी है। लेकिन गाइस नथिंग कंपनी जो है इस बार कुछ नया लेके आने वाली है, क्योंकि गाइस फर्स्ट टाइम इंडिया में अपना लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है प्रोडक्ट। बट गाइस उसकी स्पेसिफिकेशन से पहले उसके प्राइस लीक हो चुके हैं। तो जो उसका प्राइस सेगमेंट है वो है 7,000, 7-7.5 हजार की लमसम, क्योंकि गाइस डॉलर में हुए तो अभी एक्चुअल एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं रखी जा सकती। बात करें क्या नथिंग प्रोडक्ट आता है तो ट्रांसपेरेंट वायरलेस जो एयरबड्स होंगे वो कितने ज्यादा कामयाब है, क्योंकि क्या सिलिकॉन कहीं ना कहीं यूज किया होगा। सिलिकॉन की खासियत होती है जैसे ही वो ह्यूमन टच में आता है, पानी मॉइस्चर लगता रहता है लगातार, तो येलोनेस पकड़ने लगता है। और गाइस बस उसके अंदर बैटरी एंड स्पीकर ही दिख रहा है, बाकी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। बैटरी इनविजिबल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसके अंदर हमें बहुत सारे मटेरियल यूज करना होता है, और स्पीकर इसलिए ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाया क्योंकि जो साउंड बार है वो खत्म हो जाएगी, तो उस चीज की वजह से दो चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाई। बट यह है कि स्पीकर के अंदर ही पूरा सिस्टम बना रखा है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें, बट उससे पहले एक मेन रोल प्ले होता है कि ट्रांसपेरेंट ही लेके आना था, तो इतना झमेला करने की क्या जरूरत थी कि हम इतने कम बजट में भी लेके आ रहे, क्योंकि गाइस नथिंग कंपनी का ये फर्स्ट प्रोडक्ट होगा जो कि लॉन्च करने के बिल्कुल मूड में है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में। जैसे गाइस सैमसंग भी कहीं ना कहीं 7-7.5 हजार रुपए में आप भी मिल जाते हैं सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स। और बात करें आपको मतलब अच्छी खासी कंपनियों के, वन प्लस तक की कंपनियों के, और बात करूं ज्यादा के सभी कंपनियों में सेगमेंट आ जाते हैं। एप्पल को छोड़ दिया जाए तो 7-7.5 हजार रुपए में सोनी हो गए, और सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, एमआई हो गया, सभी कुछ मतलब एप्पल को छोड़ दिया जाए तो। गाइस इस प्राइस सेगमेंट में क्या ये प्रोडक्ट इतना कामयाब हो पाएगा नथिंग कंपनी का? नथिंग का मतलब वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन कंपनी की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी का नाम है नथिंग ना कि वर्ड है। तो गाइस इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी का नाम हिंदी में कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गाइस और बात करें प्रोडक्ट के बारे में, तो कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट है, बट इस प्राइस सेगमेंट में देना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि वहां पे नया प्रोडक्ट यूज करने के मुकाबले लोग जो भरोसेमंद है, साउंडेबल है। तो गाइस मैंने वन प्लस का बर्ड्स लिया था, तो वो साउंड मुझे सैमसंग से बेहतर लगी, बात करूं बेस के मामले में, लेकिन क्वालिटी के मामले में बात करूं तो कहीं ना कहीं सैमसंग थोड़ा सा अपर था, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग आता है वो 4,000 रुपए की रेंज में थे। लेकिन नथिंग कंपनी का एयरबड्स गाइस मुझे समझ में नहीं आया, बट यह है कि क्या फीचर आते हैं, फीचर भी कुछ ज्यादा खास नहीं होंगे क्योंकि नई प्रोडक्शन है, और इस चीज को बेस मान के बात करें तो ये इनका बेस प्राइस है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट का, तो आने वाले टाइम में क्या होगा। तो गाइज आने वाले टाइम के बारे में आगे ही बताएंगे। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।